हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 7th का अध्याय पहला गणित पूर्णांक संपूर्ण संख्या पढ़ने लगे हैं और ये एक्सरसाइज है 1.1। द फर्स्ट सम देखो, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित रेखा द्वारा दर्शाया गया है। मतलब कि कोई संख्या रेखा दी हुई सानू थले, ठीक है, उद्दे विच सानू नाम दिते हुए है कि आ जिहड़ा -10 5 10 20 ये सानू की दिता हुआ उन्होंने टैंपरेचर किहदे विच दिता हुआ डिग्री सैलसीयस च। फर्स्ट पार्ट च उन्होंने की किया, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए, ठीक है। जिहड़ी सानू संख्या रेखा दिती होएगी उहदे विच कहिंदे पई है कि तुसीं जिहड़े उन्होंने स्थान दिते हुए है उहदे उत्ते दसो किन्ना किन्ना टैंपरेचर हैगा। इस संख्या रेखा नूं देखण दा पहले देखांगे, फस्ट देखो किहड़ा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति च उन्होंने पूछा टैंपरेचर किन्ना। पहले एक गल देखो, इधर 0 है, इधर 5, 10, 15, 20, 25 इधर नंबर की है वधन दी है। इधर कड़ी संख्या आती है धनात्मक संख्या, इधर कड़ी है नैगेटिव वाले नंबर। दैट मीनस वह कड़ी संख्या आती है साढ़े को ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। फस्ट है साढ़े को लाहौल स्पीति। देखो लाहौल स्पीति चो उन्होंने पूछा टैंपरेचर किन्ना है। इतने -5 है एवली लाइन के उत्ते, एवली लाइन के उत्ते -5 है, इतने किन्ना होएगा फिर -6, ये -7। तो लाहौल स्पीति उत्ते जिते पॉइंट है उत्ते किन्ना होगा -8। तो लाहौल स्पीति का टैंपरेचर किन्ना आएगा -8 डिग्री सैलसीयस। नैक्सट है साढ़े को श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर है यह 0 है, 0 तो बाद इधर वाली टर्म्स नैगेटिव है, कि आ जाएंगे -1। अगला पॉइंट ए होगा -1, ये कड़ा हो जाएगा फिर -2, तो इतने की आ जाएगा श्रीनगर च -2 डिग्री सैलसीयस, ठीक है। उस तो बाद है शिमला। शिमला तो सीधा साढ़े को राइट ही पॉइंट क्या कि 5 से वो साफ सानू पता चल लेंगे, ठीक है। उस तो बाद साडा टैंपरेचर कड़ा आता पाया ऊटी। ऊटी की लाइन देखो इतने 15 आ, तो उस तो एक पिछे कड़ा होगा 14, ठीक है। ऊटी, ऊटी तो कितना टेंपरेचर हो गया 14 डिग्री सैलसीयस 14 डिग्री सैलसीयस 14 डिग्री सैलसीयस। उस तो बाद बेंगलोर, बेंगलोर साढ़े को एवलिप लाइन थी का, ठीक है। इतने आता पा 21, इतने क्या आता है 22, तो बेंगलोर का टेंपरेचर कितना हो गया 22 डिग्री सैलसीयस। उस तो बाद उन्होंने पूछा सैकेंड पार्ट च सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर। सब तो गर्म तो सब तो ठंडे स्थानों में आपा की करना अंतर, मतलब कि उन्होंने की करना है माइनस करना है। सब तो गर्म कड़ा है, सब तो गर्म कड़ा है बेंगलोर। लिखांगे हालत देखो आपा की लिखांगे बेंगलोर, बेंगलोर बेंगलोर का टेंपरेचर कितना है 22 डिग्री सैलसीयस, ठीक है। तो सब तो ठंडे का कड़ा है, सब तो ठंडा कड़ा है -8, मतलब कि सब तो ठंडा कड़ा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टैंपरेचर कितना है -8 डिग्री सैलसीयस, कितना है -8 डिग्री सैलसीयस। हुण उन्होंने सानू की पूछा दोवां च अंतर, सब तो गर्म वाले तो सब तो ठंडे वाले च अंतर, आप कर देंगे -22 -8, ठीक है। ये -, दो साइन है आप एक साइन बनाने की आएगा -, -+, 22 + 8 आ जाएगा, तो 22 + 8 प्लस करेंगे कि आएगा 30, तो यदा अंतर की आएगा 30 डिग्री सैलसीयस आ जा यदा आंसर। हाँ जी, नैक्सट पार्ट देखो साढ़ा की है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर में अंतर। दो सानू शहर दिती हुई है, लाहौल स्पीति एक जगह दी है, एक स्थान कड़ा दिता है श्रीनगर। उन्होंने बोछे पूछे सानू दोवें च की डिफरेंस है या दोवें च की अंतर है। देखो श्रीनगर का टैंपरेचर किन्ना सी -2 डिग्री सैलसीयस, लाहौल स्पीति का किन्ना सी -8 डिग्री सैलसीयस। दोवें च उन्होंने डिफरेंस पूछे अंतर पूछे कि आएगा -2 -8, ठीक है। -, की हो गया प्लस, माइनस क्यों किया क्योंकि अंतर पूछे से, या -, की हो गया प्लस, 8 + 2 हो गया कितना आ गया 6, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट पार्ट सॉरी नेक्स्ट सम नहीं, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। मतलब कि जो आप शिमला तो श्रीनगर का तापमान दोवों प्लस करते हैं तो कहते पे है तुम देखो कि श्रीनगर शिमला के तापमान तो घट है या वध है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर से कम है। आप देखा शिमला का टैंपरेचर कि 5 डिग्री सैलसीयस, श्रीनगर का कि -2 डिग्री सैलसीयस। दो योग करने लिखा उन्होंने दोवों का,
5 प्लस एक नया श्रीनगर का माइनस 2, प्लस माइनस की हो गया माइनस, 5 चो 2 गए कितना आ गया 3। ठीक है, देखो फर्स्ट चो उन्होंने की पूछा है, जे आप शिमला तो श्रीनगर का तापमान प्लस करते हैं तो शिमला के तापमान नालों घट आता है। देखो सा जो आप प्लस किया तो शिमला का तापमान कितना सी 5 डिग्री सैलसीयस, शिमला के तापमान तो घट है ना, फिर की लिखा गया, हाँ शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, कि जे आवले दोवें स्थानों का आप तापमान का योग करते हैं प्लस करते हैं जोड़ करते हैं तो श्रीनगर तो भी घट है, नो श्रीनगर का माइनस 2 डिग्री सैलसीयस है तो योग करते हैं तो 3 डिग्री सैलसीयस होता है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। हाँ जी बेटा, इस इधर नेक्स्ट सम देखो, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, कहते हैं एक हवाई जहाज कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ऊपर है, समुद्र तल से की तैरन दी है पनडुब्बी तो बिल्कुल उसके ऊपर, ठीक है समुद्र तल तो बिल्कुल उसके ऊपर की उड़न दिया जहाज 5000 मीटर की दूरी से, नीचे धरती उन्होंने कहा 1200 मीटर नीचे धरती नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, जड़ा थले पर समुद्र तल च पनडुब्बी तैरन दी है बिल्कुल उदे की है ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच में ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ठीक है। हाँ जी देखो बेटा, यह एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने, एग्जाम्पल सॉरी वो नाल दी डायग्राम दी हुई है, यह देखो थले की है पनडुब्बी समुद्र च तो वो बिल्कुल उपर की उन्होंने कहा हवाई जहाज उड़न दिया, ये समुद्र तल है, ये आप मान लिया बिंदु रेखा 0, ठीक है। इन्होंने ये तो समुद्र तल तो हवाई जहाज की दूरी कितनी दी हुई सानू 5000 मीटर, कितनी दी हुई है 5000 मीटर समुद्र तल तो हवाई जहाज की दूरी, ठीक है। समुद्र तल तो समुद्र तल तो पनडुब्बी की दूरी कितनी दी हुई है 1200, ठीक है। हाँ जी देखो बेटा, आप हाल च की लिखेंगे, समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी सी सानू को 5000 मीटर लिख लिया, ठीक है। उस तो बाद समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी, समुद्र तल तो पनडुब्बी की दूरी कितनी गई सी 1200 मीटर, ठीक है। हुण उन्होंने पूछा है हवाई जहाज ते पनडुब्बी दे विच कितनी दूरी सी, हवाई जहाज उपर सी पनडुब्बी थले सी, उन्होंने विचकार दोवां विचकार उन्होंने कितनी पूछी सी कि दूरी हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी, हवाई जहाज की किन्नी सी 5000 दोवां नूं जमा कर देंगे तो पनडुब्बी की किन्नी सी 1200, दोवां नूं जमा किया कि आ गया 6200 मीटर 1200 मीटर। हाँ जी देखो बेटा, नेक्सम मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है, मतलब कि मोहन अपने बैंक च किन्ने पैसे जमा करवाता है 2000 रुपये, और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है, इसमें से कितने पैसे निकाल लेता है वो बाहर 1642। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाए, मतलब कि जड़ी आप खाते चो जड़ी राशि कढ़ी है उन्होंने नैगेटिव वाली टर्म के नाल निरूपित मतलब कि दर्शाया जाए तो जो खाते में बाकी राशि बचेगी तो वो क्यों किस संख्या से निरूपित होगी, ठीक है। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए, कि जो तो पैसे कट ले तो मोहन को कड़ी राशि किन्नी राशि बची वो भी दसो, ठीक है। हाल पहले आप देखेंगे खाते में जमा की गई राशि किन्नी पैसे जमा किए सी 2000 रुपये, ठीक है। खाते में निकाली गई राशि जी खाते चो आप बाद चो राशि कढ़ी वो किन्नी सी साढ़े को 1642, ठीक है। 1642 की बाद चो उन्होंने की किया शेष राशि, शेष राशि किमें आएगी जिन्नी आप कढ़ी से वो जिन्नी साढ़े को जमा की से वो जिन्नी आप कढ़ी वो माइनस कर देंगे, ऋणात्मक संख्या ना होगी निरूपित है राशि, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो कि 358, ये 358 केड़ा आया प्लस का, यानी कि यह कड़ी होगी एक धनात्मक संख्या। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम देखो, ए और बी को निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का सत्यापन करें, ठीक है। ए अते बी दे हेठ दिते मुल्लां वास्ते ए माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी की सच्चाई का जांच करो, मतलब कि सानू एक साइड से लैफ्ट हैंड साइड से की दिता है ए माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड से की दिता है ए प्लस बी, सानू ए की वैल्यू भी दी होगी बी की वैल्यू भी दी होगी, आप इन्हां विच वैल्यू भर के देखनी है कि लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं, ठीक है।
हल देखो कि करना यदा, ए सानू किन्ने दिता है 21, बी सानू किन्ने दिता है 18। ठीक है, आप यूज़ किया है ए माइनस कि उन्होंने क्या यूज़ करो, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए ए की वैल्यू किन्नी है 21, फिर माइनस बी की वैल्यू किन्नी है 18, ए की वैल्यू किन्नी है 21, बी की वैल्यू कितनी है 18। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 21 और 18, यहाँ पर भी क्या आ गया 21 और 21 प्लस जमा 18। ठीक है, 21 जमा 18, 21 जमा 18 अगर हम जमा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 39, 39 यहाँ भी 39। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, दोनों साइड सेम आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो आपका आंसर कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, दोनों साइड सेम। हेलो, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम देखो, बॉक्स में संकेत, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन लगाकर अथवा जो इज इक्वल्स टू का प्रयोग करकर खाने में संकेत लेस देन ग्रेटर देन द साइन लगा के ज इज इक्वल्स टू का प्रयोग करना है। मतलब कि आपको दसना है केड़ी वड्डी रकम है केड़ी छोटी रकम है, इन्हां साइन की वरतों करके इन्हां चिन्हों की वरतों करके आप दसना है केड़ी वड्डी रकम है तो केड़ी छोटी रकम है। जिहड़ी वड्डी रकम होगी उधर साइन ओपन वाली साइड तो लैस दैन वाली साइड आ जाना। ठीक है, हम देखांगे आप, माइनस 8 है, देखो फर्स्ट सम देखो, माइनस 8 का माइनस 8 एज इट इज़ आ गया। हूँ प्लस माइनस, माइनस यह चार कि आ गए थले बॉक्स, इधर की आते पे माइनस 8। ठीक है, ये दो साइन कट्ठे आ गया, आप इतनू सिंगल साइन बना, माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, देखो माइनस 8 तो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 8 चार किन्ने हो गए 12, पर साइन हमेशा कड़े लगता है ग्रेटर द, मतलब कि वड्डी रकम का। ठीक है, ये आ गया ग्रेटर द साइन, उस तो बाद बॉक्स पावांगे, माइनस 8 चो माइनस 4 गए कि आएगा, माइनस 8 प्लस 4 कि आएगा माइनस 4। ठीक है, माइनस 8 तो प्लस 4 कि आएगा माइनस 4। हूँ देखो उन्होंने पूछा है माइनस 12 वड्डा होएगा या माइनस 4, केड़ी वड्डी रकम होएगी माइनस 12 या माइनस 4। मैं तुहानू कहा सी जिन्नी जिन्नी रकम माइनस च जिन्नी रकम वड्डी होंदी जावे उन्नी छोटी उहदी वैल्यू होंदी जांदी है। जिवें देखो मैं तुहानू समझाया सी पहले जीरो ही, फिर माइनस 1, फिर माइनस 2, फिर माइनस 3, फिर माइनस 4 सी। मैं तुहानू कहा सी लैफ्ट हैंड साइड जिहड़ी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही, मतलब कि कम हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें बड़ा क्या हो गया, माइनस 4 या माइनस 12, क्या बड़ा होगा, माइनस 4, तो साइन लगा देंगे। ठीक है, जो रकम बड़ी होगी उस पर साइन ओपन, जो एरो होगा उस ओपन वाली साइड, बड़ी वाली साइड ओपन वाली साइड रखना है, और जो छोटी होगी रकम उस बंद वाली साइड वाना है वो। ठीक है, इधर देखो अब माइनस 3 प्लस 7, ठीक है, माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19, फिर बॉक्स डालेंगे, इधर क्या आएगा 15 में से एट गए 7 प्लस माइनस माइनस, चाहे रुक जाओ आप पहले ना साइन सिंगल बना लो, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। अब देखो अगर हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को 7 के आगे प्लस का साइन, 3 के आगे माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4, 7 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का ही आएगा माइनस 19। ठीक है, इज इक्वल्स टू आ गया इधर, ओ सॉरी बॉक्स आ गया, 15 में से 8 गए कितना आ गया 7, 7 में से 9 गए 7 माइनस 9 आ गया। ठीक है, अब 4 में से 19 माइनस करेंगे, 4 के आगे प्लस का साइन, 19 के आगे कौन सा, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है बेटा, 19 में से अब 4 गए तो कितना आएगा माइनस 15, क्योंकि बड़ी रकम आगे माइनस का साइन है। ठीक है, इधर क्या आ गया हमारे पास 7 में से 9 गए माइनस 2, अब देखो माइनस 2 बड़ा हो गया माइनस 15 माइनस 2, ये हमारा होगा आंसर।